हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी सिखाता हूँ और आज भी हम आपको बायोलॉजी ही सिखाएंगे। तो यहाँ पे बेटा, अब हम क्लास 9th, 10th, 11th और 12th को लेके टोटल एक बड़ी सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, 6 + 6 + 22 + 16, मतलब टोटल के टोटल 50 चैप्टर में यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल, समझ रहे हैं आप, जो कि एक क्वालिटी मटेरियल होगा, वो हम आपको फ्री यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम बायोलॉजी के बेसिक्स सीखेंगे। तो बायोलॉजी के बेसिक्स का मतलब है कि टॉपिक का नाम क्या होगा, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। क्या नाम होगा? बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि इसका नाम है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, तो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए कि हमें पढ़ना तो बेटा बायो है। क्या पढ़ना है? बायो। तो बायो का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बेसिक्स से जान सकते हैं, साइंस जान सकते हैं, लेकिन हम साइंस को भी नहीं, अभी हम और भी बेसिक्स स्टार्ट करें और भी एकदम बेसिक्स जाके, कि मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर साइंस कहाँ से आया, ओरिजिन ऑफ साइंस कहाँ से हुई, क्या हुआ, साइंस क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पता है, जैसे कि अगर हम अपने घर में बैठे हुए, या जैसे हम अपने स्टूडियो या क्लासरूम से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप तक हमारी बातें जा रही हैं, आप भी अपने घर में बैठे, घर से बाहर जाएंगे तो एक आपका स्टेट, आपका टाउन पड़ेगा, टाउन के बाद एक सिटी पड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टेट पड़ गया, कि एक कंट्री पड़ सकती है, आगे जाएंगे तो एक पूरा एक महाद्वीप है, ठीक है। तो ऐसे बढ़ेंगे, तो जब ऐसे बहुत सारे महाद्वीप मिलेंगे तो क्या बनेगा, कभी आपने इमेजिन किया है? तो हम उसको कहते हैं ना कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, शब्द सुना होगा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो यहाँ पे जो बेटा हम स्टार्टअप करेंगे, वो टोटल हमारा स्टार्ट वहीं से होगा कि आखिर इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, ब्रह्मांड में क्या क्या है, और ब्रह्मांड में हम कहाँ पे हैं, और आखिर लाइफ कहाँ पे है। लाइफ को आप मतलब एक कहानी की तरह जब आप इसको समझेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द यूनिवर्स। क्या है? द यूनिवर्स, ठीक। तो ध्यान से देखते जाइएगा और बहुत अच्छे से आप आराम आराम से हौले हौले सीखते जाएंगे। अब द यूनिवर्स में एक चीज़ और आप समझिए कि आखिर ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है। आप ब्रह्मांड किसे कहते हैं, मतलब एक अगर शॉर्ट आपको बोलना हो, अपने से आपको कुछ बनाना, बिना कुछ देखे, बिना कुछ लिखे पढ़े, बिना किताब के पढ़े, तो यूनिवर्स की स्पेलिंग क्या आप बना सकते हैं? यूनिवर्स मतलब क्या है कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर महसूस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो क्या हो, कहीं ना कहीं क्या है, वो यूनिवर्स का हिस्सा, वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम यहाँ पे खड़े हैं, आप हैं, आप हमें देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये सब एक यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है। जिसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, वो क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखेंगे, वी कैन टच, फील, सेंस, मेजर और डिटेक्ट, ठीक, डिटेक्ट। वी कैन टच, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको दिमाग में ला सकते हैं, उसको बेचारे में सोच सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसके बारे में हम और भी ज्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सब क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइक साइंस, ठीक। तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इट इंक्लूड्स स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सीज, डस्ट क्लाउड, लाइट एंड इवन टाइम। क्या क्या आ सकता है, हमने अभी आपसे बोला ना, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब इसमें आता है। इट इंक्लूड स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, तारे, सितारे, चांद, जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप, डस्ट क्लाउड, एक बादल, लाइट, प्रकाश, और यहाँ तक कि प्रकाश की वस्तु, सभी प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, चाहे वो कि सनी क्यों ना हो, चाहे कि सनी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जाना बेटा, यूनिवर्स क्या है, हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में हमने बहुत बेसिक जाना। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ और सीखिए आप,
हमारे टॉपिक में आपसे पूरे एग्जाम में, आप जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा, अगर आप नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तब भी आपसे शायद नहीं पूछा जाएगा, टेंथ में भी नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्लास सिक्स या सेवन्थ में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पढ़ाया गया होगा, तो पढ़ाया गया होगा तो अभी तो आप नाइन्थ में आए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कहीं काम नहीं आएंगी, हमें पता है आप सब विद्वान लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बेसिक से स्टार्ट करें तो हमें बेस पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें इतना हो गया। अब एक चीज़ और समझिए आप, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसको किसने बनाया है तो आपके अलग अलग जवाब आएंगे, क्योंकि किसी किताब में इसको नहीं लिखा गया कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, इसकी ओरिजिन कब हुई है, ठीक, किसी को नहीं पता है। तो आप अगर गीता पढ़ते हैं तो आप गीता में पढ़ के बताइएगा, कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में पढ़ के बताइएगा, बाइबिल वाले हैं तो बाइबिल पढ़ के बताइएगा। हमने किसी किताब में गुरु धर्म गुरु से अपने नहीं सीखा, अगर आपने कहीं सीखा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आखिर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई, ये फिर एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है, ये हमारे और आपकी बात बीच की बातें नहीं है, ठीक है, ये बहुत बेसिक बात हुई। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है, यहीं पर इसको हटा सकते हैं, यहीं पे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक शब्द आता है कॉस्मोस, ठीक है, एक शब्द आता है कॉस्मोस, देखो इसमें क्या होता है, अभी तक हमने यूनिवर्स को पढ़ा है, अब इसके अंदर में हम थोड़ा सा देखते हैं, स्टडी स्टडी सॉरी एन ऑर्डरली कॉम्प्लेक्स स्टडी, ठीक, एन ऑर्डरली कॉम्प्लेक्स स्टडी इन्यूमरेबल स्टार स्टार प्लैनेट प्लैनेट या जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टार हो चाहे प्लैनेट्स हो, जितने भी ग्रह नक्षत्र जो भी चीज़ें हमारे यहाँ हैं, जो उसको हम पढ़ते हैं, तो एक हमारा सब्जेक्ट है कॉस्मोस, उसको हम कहते हैं कॉस्मोस, ठीक है, जो हमारा एक ऑर्डरली एक सीक्वेंस में उसको पढ़ते हैं, प्लस एन ऑर्डरली कॉम्प्लेक्स ऑफ इनमूवेबल स्टार्स प्लैनेट स्टडी ऑफ, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये हम कॉस्मोस कहते हैं, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और आती है कि स्टडी ऑफ द ओरिजिन इवोल्यूशन, ये कॉस्मोस हो गया। ऑर्डरली कॉम्प्लेक्स में आप एक सीक्वेंस में जब आप पढ़ते जाएं, किसको पढ़ते जाएं, असंख्य तारों को, सितारों को, ठीक है, प्लैनेट्स को, उसको क्या कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पे जब हम आप इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, एक स्टडी करते हैं, ठीक है, एन ऑर्डरली, ठीक है, यहीं पर जब आप इसकी स्टडी करते हैं कि स्टडी ऑफ द ओरिजिन इवोल्यूशन, ध्यान से देखिए, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ओरिजिन इवोल्यूशन इवोल्यूशन एंड टोपोग्राफी, सॉरी आपको नहीं दिखा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, क्या कहते हैं बेटा, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस से ही शब्द आया है बेटा, कॉस्मोलॉजी, ये आप, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एन ऑर्डरली कॉम्प्लेक्स स्टडी इनमूवेबल स्टार्स प्लैनेट, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मोस, एक हमारा टॉपिक, एक पूरी एक प्रोसेस सिस्टम है, इसको कॉस्मोस के अंदर हम पढ़ते हैं, और जो इनकी स्टडी करते हैं, ये किताब या आप कह सकते हैं कॉस्मोस, इसका शब्द हम यूज करते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, और जो ये इनकी जहाँ पे स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ द ओरिजिन इवोल्यूशन या टोपोग्राफी, उसको हम कहते हैं बेटा कॉस्मोलॉजी, क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी, ये हमारा बेसिक्स का रहा, ठीक है। इसके बाद अब हम थोड़ा इसको रफ करते हैं और फिर आगे और आगे आपको सिखाते हैं, इसी में एक चीज़ और आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपने इतनी देख ली, कॉस्मोस ये हो गया, ठीक है, और कॉस्मोलॉजी ये हो गया। कभी आपने एक चीज़ इमेजिन करी है कि जो यूनिवर्स है इसमें हम कहाँ रहते हैं, या लाइफ कहाँ की ओरिजिन कहाँ हुई थी, जिससे हम कहते हैं लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन वाटर, कहाँ हुई थी, पानी में लाइफ की फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुई थी, ठीक है, तो क्या ये आगे का सवाल है, अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे, अभी हमने आपको कॉस्मोलॉजी दिखाई और एक थोड़ा सा और आगे चीज़ देखते हैं, ये गोला सही बना कि नहीं बना। अब ये गोला है, गोला क्या है, ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, इस ब्रह्मांड के टोटल तीन पार्ट होते हैं,
ध्यान से देखिएगा, सबसे जो ऊपर का पार्ट है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। बीच का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जो हमारा सबसे नीचे का पार्ट है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ठीक है। ध्यान से एक चीज और आपको जिसे यहीं पे जानना जरूरी है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको हम कहते हैं हमारा गैसियस पार्ट। गैसियस पार्ट, ठीक है। और जो हमारा लिथोस्फेयर है इसको हम क्या कहते हैं? वाटरी पार्ट। वाटरी पार्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको गैसियस पार्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वाटरी पार्ट कहते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ आप बताइए कि आज अगर हम आपसे पूछें कि एटमॉस्फेयर या लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर को आप डिफाइन करें, तो आपको थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ऐसे डिफाइन करना, क्योंकि बिना इस चीज़ को पढ़े, आप बिना इस चीज़ को जाने, आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ना कि बायोस्फेयर, अगर हम आपको कह दें कि आप एटमॉस्फेयर बताइए, तो एटमॉस्फेयर को जानने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप एटमॉस्फेयर को बता रहे हैं तो बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी चीज़ें हैं। आपके काम का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, आपको एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में पता पढ़ने को मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन आपको इतना ये जानने का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए कि इसको हम गैसियस पार्ट कहते हैं, इसको हम वाटरी पार्ट कहते हैं, ठीक। ये आपका बेसिक्स का हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको शायद आप और अच्छे समझ पाएँ। कभी आप किसी ऐसे शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स में गए हों जहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ें सेक्शन वाइज मिलती हों, ठीक है। जैसे कि आप गए होंगे तो कपड़े का अलग सेक्शन होता होगा, ठीक है, और कपड़े का अलग सेक्शन है और फूड का अलग सेक्शन है, जहाँ पे आपको फूड, टोटल फूड पार्क मिलते हैं, वो अलग सेक्शन होता है। बट कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है। जैसे आप ग्रोसरी का सामान लीजिए, ग्रोसरी, ग्रोसरी क्या होगा? कॉमन होगा, वहीं पे आपको ग्रोसरी के सारे सामान मिल जाएंगे, वहाँ पे कोई चीज़ पार्टिकुलर एक नहीं होगा, वहाँ पे ग्रोसरी में मतलब सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कपड़े का अलग सेक्शन हो सकता है, इसका अलग सेक्शन होता है, हो सकता है फूड का, लेकिन ग्रोसरी का आपका क्या, वहाँ पे कॉमन है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी है, जैसे गैसियस पार्ट हमारा, गैसियस पार्ट टोटल ये है और वाटरी पार्ट हमारा टोटल ये है, लेकिन बायोस्फीयर में क्या है? अब आप पूछेंगे कि बायोस्फीयर में क्या है, तो बायोस्फीयर को आप ऐसे समझिए, बायोस्फीयर मतलब जैसे ग्रोसरी का सेक्शन है आपके मॉल में, जो ग्रोसरी का सेक्शन है वही बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में क्या होता है? सब मिलता है, पानी भी है, हवा भी है, पानी भी है और हवा भी है, ठीक, गैस भी है और पानी भी है, ठीक है, सॉइल भी है, यहाँ पे गैस, सॉइल सब कुछ है, ठीक है। तो ये बेसिक रहा। अब यहीं पे एक चीज और जान लीजिए थोड़ा सा, एक साइंटिस्ट है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस, ये निकोलस कॉपरनिकस जो है, ये क्या है? निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के साइंटिस्ट हैं। कहाँ के? पोलैंड के। इनका जो बर्थ हुआ था 1473 और डाइड हुए 1543 में। 1473, 1473, 1543, ठीक है, 1543। अब पूछिए इनको, इनको मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, इनका क्या रीज़न है? इनका रीज़न इतना है कि अभी आपसे हमने पूछा ना कि हम ग्रोसरी की बात करें, बीच वाला सेक्शन जो हमारा मिड का सेक्शन है, यहाँ पे ये दोनों का वो है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ रहते हैं आखिर इस यूनिवर्स में, हम कहाँ रहते हैं? तो बस यही, इसी सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। निकोलस कॉपरनिकस जो पोलैंड के साइंटिस्ट हैं, कहाँ के बेटा? पोलैंड। पोलैंड एक देश है, वहाँ के ये वैज्ञानिक हैं, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने एक चीज़ बताई थी, इस यूनिवर्स का सेंट्रल सेंट्रल क्या है, सेंटर क्या है? वो सन है। क्या है बेटा? सन है। और सन के अराउंड अर्थ घूमती है। कहाँ क्या घूमती है? सन के अराउंड अर्थ घूमती है। क्या घूमती है बेटा? अर्थ घूमती है। सन के अराउंड अर्थ घूमती है। इस यूनिवर्स का सेंट्रल सन है, निकोलस कॉपरनिकस ने बताया, ठीक है। एक इनकी बुक है द रिवॉल्यूशन। क्या बुक है बेटा? द रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन जो 1530 में, 1530 में पब्लिश हुई, और इस बुक में लिखा है 1530 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये जो इनकी बुक है ये 1530 में पब्लिश हुई थी, और इस बुक में लिखा है
द रिवॉल्यूशन में कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का सेंटर सन है और सन के अराउंड चारों तरफ अर्थ क्या करती है, चक्कर लगाती है, अर्थ घूमती रहती है। तो अब आपको एक सवाल का जवाब बहुत तेज मिल गया होगा। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे सन, हमारी जो सन है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन ऑन अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, सन है। ठीक है, और हम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। हम सन के मतलब अर्थ हमारे सन के चारों तरफ घूमती है। ये किसने बताया, ये निकोलस कॉपरनिकस ने बताया, 1530 में द रिवॉल्यूशन बुक में इनकी पब्लिश हुई थी। तो अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि अर्थ पे क्या हो सकता है। अर्थ पे क्या है, अर्थ पे सिवाय पानी तो नहीं है, सिवाय गैस तो है नहीं, अर्थ पे क्या है, क्योंकि आज हमें क्या चाहिए बेटा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो लिविंग फर्स्ट टाइम जो लाइफ बनी थी वह कहाँ, ओरिजिनेटेड इन वाटर। फर्स्ट टाइम जो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, बट आज के हम पानी में पैदा होते हैं क्या? आज न हम यहाँ पैदा होते हैं न यहाँ पैदा होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हमें दोनों चाहिए। ठीक, और साथ में सॉइल भी चाहिए, क्योंकि खाने के लिए हमें कहाँ से सब कुछ मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। तो वो अर्थ पे मिलेगा। अर्थ क्या है, हमारा बायोस्फीयर है। क्या बेटा, अर्थ हमारा बायोस्फीयर है। इसको हम अभी और डीपली आपको समझाएंगे। तो आप ही मान के चले कि अर्थ जो है हमारा बायोस्फीयर है। हमने अभी कहा ना ग्रोष्ठी, जहाँ पे इसका और इसका दोनों का क्या है, मिक्सचर है, जहाँ पे आपको हवा भी मिलती है, पानी भी मिलती है। तो इन्होंने बताया था द रिवॉल्यूशन बुक में निकोलस कॉपरनिकस साहब ने कि हमारे इस यूनिवर्स का सेंट्रल सन है और सन के अराउंड अर्थ घूमती रहती है। आपको पता है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, हम मनुष्य लोग हैं, प्राणी हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। कभी भी आपने देखा होगा कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। क्या जानवर भी ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अक्सर देखेंगे, क्या प्लांट किसी के चारों तरफ घूमते हैं? नहीं घूमते। लेकिन हमारे ह्यूमन के केस में तो इस अर्थ, इस यूनिवर्स, इस पूरी अर्थ पे जो सबसे बड़ा जो मतलब एडवांस टाइप का वर्जन है वो हम है। एनिमल्स में मतलब लिविंग में जितने भी एडवांस टाइप के वर्जन है वो हम है। हमसे एडवांस कोई नहीं है अभी तक। तो हम एडवांस लोग हैं साहब। तो एडवांस लोग क्या करते हैं, जो हमसे ज़्यादा पावरफुल आदमियों का उसके हम चारों तरफ घूमते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी MLA या MP के आसपास। ठीक है, ठीक वैसा ही आप इमेजिन करिए कि जो सन है ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा ऊर्जा का पुंज है, एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो हम ह्यूमन है, हम यहाँ रहते हैं, तो हम जहाँ रहते हैं जाहिर सी बात है हम ढेर सारे लोग ऊर्जा के ही चारों तरफ घूमते होंगे। तो मतलब हम अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ को आप कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर है वो क्या है, अर्थ है हमारी। ये जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा एटमॉस्फेयर, नीचे का जो पार्ट है हमारा वो क्या है, लिथोस्फेयर, और जो बीच का पार्ट है जहाँ हम रहते हैं वो हमारा क्या है, बायोस्फीयर है। ठीक, तो इतनी बेसिक आपने जानी। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि यहीं पर एक चीज़ और जान लीजिए, क्या जब हम पैदा हुए थे तो पानी था? जब हम पैदा हुए थे तो पानी था। हाँ बिल्कुल, जब हम पैदा हुए तो पानी था, क्योंकि हम पढ़ते हैं द लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन वाटर। वाटर को पहले हम क्या कहते थे, क्रेडल ऑफ लाइफ, जीवन का पालना है पानी। ठीक है, तो आज भी जीवन का पालना है, क्योंकि जीवन का पालना इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज के टाइम पे हमें ऑक्सीजन और पानी दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़। और ये बताइए कि आज के टाइम पे सिर्फ पानी से काम हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तब के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी तब ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होती तो लाइफ पानी में ओरिजिनेट ना होती। ठीक है, लाइफ की ओरिजिन पानी में ना होती। बट आज के टाइम पे बेटा हमें दोनों चाहिए। क्या चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हवा नहीं मिलेगा तो नहीं चल पाओगे, पानी मिलेगा तो भी नहीं चल पाओगे, एक के बिना काम नहीं होगा, दोनों चाहिए। दोनों कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है बायोस्फीयर में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। ठीक, तो लाइफ कहाँ पे है बेटा, बायोस्फीयर में। और डीपली भी देखते हैं इसको। अब एक चीज़ और आपको यहीं पे बता दे रहा, इसी जगह पे, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में टोटल बेटा गैसें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गैसों का जो एक ग्रुप है उस मतलब एक जो बहुत ढेर सारी गैसें हैं, उन गैसों को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, हम ऐसे इसको बता दे रहे हैं। हाँ बेटा, तो अभी हम जो एक चीज़ देख रहे हैं वो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम क्या, हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर क्या है। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में हैं। ठीक है, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो बेटा ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस है वो है क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 20.83%। ठीक है, सॉरी ये हमने ऑक्सीजन का लिख दिया। नाइट्रोजन बेटा हमारा क्या है, 78.03%। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 20.83%। ठीक है,
हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, और इसके बाद आर्गन है 0.94%, Ar 0.94% आर्गन है, 0.83% CO2 है, क्या बेटा CO2 0.83% CO2 है, और साथ में जो हमारी अदर गैसेस हैं वो 0.01%, ठीक है। तो टोटल बेटा रहा जो हमारा एक प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो इतना है, ठीक है, 0.09%, 0.03%, सॉरी बेटा 0.03% एट नहीं है, 0.03%, ठीक है, और 0.01%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में गैसें कितनी कौन सी हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन 78.03% है, O2 20.83% है, आर्गन 0.94% है, CO2 0.03% और अदर गैसेज जो भी हैं वो कितनी 0.01%, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना अब थोड़ा सा हम इस चीज को अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक अच्छे से टाइप पे लिख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर, ठीक, लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन वाटर, क्रेडल ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, वाटर, किसको कहते हैं, वाटर, क्रेडल ऑफ लाइफ क्या है, वाटर है, ठीक है, क्रेडल ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, वाटर को। देयर इज नो वाटर ऑन मून, नो वाटर ऑन मून, देयर इज नो वाटर ऑन मून बिकॉज, सॉरी मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दिया, देयर इज नो लाइफ ऑन मून, सॉरी ये बेटा स्टेटमेंट गलत हो गया, ये थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, देयर इज नो लाइफ ऑन मून, ऑन मून बिकॉज देयर इज नो वाटर, नो वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें लिखी, चौथी चीज़ एक और चीज़ और लिख रहे हैं हम, ठीक है। O2 वाज अब्सेंट इन द एटमॉस्फियर, O2 वाज अब्सेंट इन द एटमॉस्फियर, इन द एटमॉस्फियर स्फियर टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी, ये थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है, आगे स्पेस नहीं हमारे पास। बेटा यहाँ पे हमने चार स्टेटमेंट लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमने चारों को भी बहुत आपको चिल्ला चिल्ला के समझाया, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ है, जीवन की जो उत्पत्ति हुई कहाँ हुई है, पहली बार दफ़ा कहाँ हुई, वाटर में, बट लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन वाटर, आपको समझ में आया, चमका कि नहीं चमका। दूसरी चीज़ क्या है, क्रेडल ऑफ लाइफ, किसको कहते हैं, वाटर को, क्रेडल का मतलब होता है पालना, क्या होता है बेटा, पालना, जीवन का जो पालना है वो कौन है, पानी है। देयर इज नो लाइफ ऑन मून, देयर इज नो लाइफ ऑन मून बिकॉज देयर इज नो वाटर ऑन मून, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, देयर इज नो लाइफ ऑन मून, जो हमारी चंद्रमा है, जो हमारा चांद है, वहाँ पे पानी नहीं है, इस वजह से जिंदगी नहीं है। क्यों नहीं है जिंदगी, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, जैसे जो हमारे लीजेंड लोग होते हैं वो क्या गाना गाते हैं, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ये लीजेंड लोग गाना गाते हैं। बट जो आजकल के लिगांड प्रो कह सकते हैं, लिजांड नहीं, लिगांड प्रो, या निब्बे निब्बिया टाइप के जो लोग पैदा हो गए हैं, वो अक्सर ये आपने गाना सुना भी होगा, बहुत वायरल होते हैं, स्टेटस आए तीसरे दिन लगते रहते हैं, ये धरती पे ये आ लौट चले तारों के शहर में, ये धरती पे दुनिया आप जीने नहीं देगी, ऐसा कुछ गाना है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ सही से, लेकिन एक गाना ऐसा है, आप भावनाओं को समझिए,
लौट चले तारों के शहर में, ये धरती पे दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तो बेटा उन लोगों को मेरी एक नसीहत है, यही वो गोला है, यही वो गोला है बेटा जहाँ जी पाओगे, जो ही गोला है यही गोला है अर्थ, जहाँ पे जी पाओगे, क्योंकि यहाँ हवा और पानी सब मिल रहा है, मौज भी मिल रही तुम्हें, ठीक है। बाकी यहाँ पता है सरवाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि पानी नहीं है। तो ख्वाब छोड़ दो बेटा, गाना बदलो और यहीं सरवाइव करो, ठीक है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून बिकॉज देयर इज़ नो वाटर ऑन मून, वहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे बिना पानी पिए मर जाओगे, ठीक है। यहाँ से चले तो जाओगे, दुनिया जीने नहीं दे रही, यही वो दुनिया बेटा जहाँ जी पाओगे, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट बेटा लिखा है, ओ टू वॉज एब्सेंट इन द एटमोसफियर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। जब हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमारे स्पेस नहीं इतनी लिख पाए, जो हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है, जो हमारी जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, जो अभी 20.83% है, जो 21% जिसकी मात्रा है, वो उस टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं था। इस वजह से कि जो है हमें वाटर में, मतलब वाटर हमारे लिए मेन था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है वाटर में। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध होता तो कुछ ना कुछ उसी टाइम हम अपडेट हो गए होते, बट उस टाइम हम क्या हुए, पानी में पैदा हुए। आज हम कोई पानी में पैदा होता है, कोई नहीं पैदा होता, सब कहाँ पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में। तो आने वाले टाइम में हमने क्या किया, खुद को अपडेट किया, ठीक है, हमने क्या किया, अपडेट किया, इवॉल्व होते चले गए, ठीक। उसी तरह जिस तरह से आपको ने गाड़ी देखी होगी, BS4, BS6, ऐसे देखा होगा आपने, सुना होगा, गाड़ी आते हैं BS6 मानक की, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6, आप आगे इकोलॉजी में पढ़ेंगे आपको पढ़ने का मिलेगा, ठीक है, 11th क्लास में। तो ये बेटा बहुत बेसिक की बातें नहीं, चार बातें, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये टोटल मसाला था, ठीक। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर जो हमारे इस समय यहाँ पे देख रहे हैं हमारे ब्रह्मांड में, वो सब क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक। ऐसे ही एक चीज़ हम आपको और दिखा रहे हैं, एक शब्द और लिख रहे हैं जिसको आप समझिएगा, नेचर। नेचर क्या है बता सकते हैं, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है बता सकते हैं, नेचर क्या है, नेचर मतलब वो हरियाली आपके दिमाग में आ रही होगी ना, कि जो पेड़ पहाड़ वादियों से घिरा एक माहौल है, वो नेचर है, बिल्कुल वो भी नेचर है, लेकिन आप नेचर की रियल डेफिनेशन नहीं दे पा रहे। नेचर की जो रियल डेफिनेशन है बेटा, वो है मैटर, मैटर प्लस एनर्जी। जहाँ पे मैटर और एनर्जी दोनों हो उसको हम नेचर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेचर, नेचर कहते हैं। अब मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आप देख पाए, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग या नॉन लिविंग, आप समझिए, मैं लिविंग आदमी हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, मैं मोमेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैटर हूँ। ये मार्कर है, ये भी मेरे साथ मूवमेंट कर रहा है, मैं इसको चाहे चाहे घुमा रहा हूँ, जैसे चाहे इसको बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ये भी क्या है, मैटर है। आप मुझे देख रहे हैं, आप भी मैटर है, जिस माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुँच रही वो भी एक मैटर है, ठीक है। तो मैटर टोटल एक डेफिनेशन आप कह सकते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, क्या मैटर है। अब बेटा एनर्जी को देखिए थोड़ा सा, एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। कभी आपने ऊर्जा को देखा है, ऊर्जा आपने सुनी होगी कि, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखिए, मैटर की बेटा जो 4 स्टेज होती हैं, ठीक है, 4 स्टेज होती हैं, सॉलिड, सबसे बड़ा सॉलिड होता है, सॉलिड का जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा, ये जान लीजिए आप, बेसिक जान, लिक्विड के बाद जब आप इसको करेंगे तो गैस के फॉर्म में आएगा, इसके बाद ये प्लाज्मा के फॉर्म में आएगा। आपने अक्सर 3 ही पढ़ी होगी, लास्ट वाला हमने आपको भी शायद नया सिखाया हो, अगर आपने सीखी है तो अच्छी बात है, आपने किसी अच्छे टीचर से सीखी है, सॉलिड लिक्विड गैस और लास्ट में प्लाज्मा, ठीक है। तो मैटर की बेटा टोटल 4 स्टेज होती हैं, ठीक, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। अब ध्यान से देखिएगा एनर्जी, एनर्जी बेटा आपने देखा होगा कि एनर्जी, कभी एनर्जी को आपने देखा है, किसी ने भी आज तक एनर्जी को देखा है, हमने नहीं देखा, अगर आपने देखा तो मुझे बताइएगा आपने कहाँ देखा है, आपने भी नहीं देखा है। एनर्जी को देखने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, आप बिना इसकी हेल्प इसको नहीं देख सकते हैं। एनर्जी को देखने के लिए आपको मैटर का होना बहुत ज़रूरी है, अगर मैटर होगा तभी आप एनर्जी को देख पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं दूंगा, बेसिक बेसिक जानते हैं, क्योंकि अब कहानी की तरह समझना है हर चीज़ है, कि आखिर जो शब्द हम अक्सर अपने यहाँ सुनते हैं कि मैटर हो गया, कहते हैं ना मैटर हो गया, तो मैटर मतलब क्या, मैटर हो गया कैसा, मैटर हो गया, हाँ वही मैटर, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो भी पार्टिकल यहाँ पे आपको दिखते हैं सब कुछ मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर, जो माइक है, जो कपड़े मैंने डाले, सब मैटर है। मैटर मतलब एक पदार्थ है, ठीक है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग है। अब एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी हमने बोला कि एनर्जी आपको देख नहीं सकते, जैसे कि कभी आपने देखी है क्या, कि एनर्जी का पॉकेट मिलता है,
कि एनर्जी का एक डब्बा है उसको आपने खरीद लिया तो आपको इतनी एनर्जी, 1 किलो एनर्जी मिल गई, कभी नहीं होता ऐसा। एनर्जी क्या है कि आप किसी लिविंग बॉडी में एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। एनर्जी को करने के लिए, एनर्जी को देखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मैटर की नीड होगी। विदाउट मैटर आप एनर्जी को नहीं देख सकते, ठीक है। आप कुछ ऐसा समझिए, हम जैसे कि एनर्जी को कहें, ठीक है, एनर्जी को जैसे हम कहें कि जो हमारी वाइटल एनर्जी है, ठीक है, जैसे ये हमारी बॉडी है, ध्यान से देखिएगा बेटा, सॉरी ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, हम इसको कहते हैं ये हमारी बॉडी एक मैटर है। क्या बेटा? मैटर है। तो मैटर है तो ये कैसे प्रूफ होगा कि ये मैटर है? मैटर है ये इसलिए प्रूफ होगा क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, ये मैटर है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, क्या आप इसको पकड़ सकते हैं? एनर्जी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो आप देख नहीं पा रहे। आप, मैं जैसे ये इक्विलिब्रियम के स्टेज में खड़ा हुआ हूँ तो आपको पता नहीं, आप नहीं पता कर सकते कि इसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक कंटा जड़ दिया, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया, ठीक है, मैं इक्विलिब्रियम के फेज में आ गया और मैंने आपको एक कंटा जड़ दिया, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि अब मैंने आपको झटका दिया, एक प्रेशर लगा यहाँ से, ठीक है, एक प्रेशर यहाँ से क्रिएट हुआ जो आपके कंटा आपके गालों पे लगा, तो ये क्या हुआ बेटा? एक एनर्जी का फ्रेम के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपने, आपके हाथ मेरे बिना हाथ के आपके गालों तक पहुँचे, मेरे हाथ के बिना आपके मुँह तक पहुँचे, आपको झटका लगा क्या? नहीं लगा ना। उसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ी। लाइक एक दूसरा ऑप्शन आप देखें, दूसरा एग्जांपल, आपके घर में अक्सर होता है कि आपको लग जाता है कि इलेक्ट्रिक शॉट लग गया, करंट लग जाता है। करंट भी एक प्रकार की क्या? एनर्जी है। लेकिन क्या मैंने एक स्टेटमेंट बेटा गलत बोला था कि मैटर, एनर्जी को देखने के लिए मैटर की जरूरत होगी, मैटर लिविंग होना चाहिए। नहीं, मैटर, मैटर मतलब लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी, मैटर की नीड होगी, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग की नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शन नहीं है, मेरा एक स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इक्विलिब्रियम की स्टेज में खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ तो ये सब सुनाई पड़ रहा है, जो मुझे नहीं सुन रहे वो समझ रहे हैं कि सिंगल खड़ा आदमी खड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ? एक मैटर है। लेकिन बेटा मैंने आपको एक कंटाप जड़ दिया, तो ये मेरे जो हाथ है आपके गालों तक पहुंचे, तो वो क्या हुआ? यहाँ पे मैंने प्रेशर प्रेशर लगा और आपके कंटाप तक लग गया, ठीक है, आपके आपके गालों तक लगा, आपके मुंह तक पहुंचा। तो बेटा ये एनर्जी ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट पहुंच गई, इसके लिए क्या आपको पड़ा? एक मीडियम की जरूरत पड़ी, एक माध्यम की जरूरत पड़ी। माध्यम क्या था? मेरा हाथ, मेरा हाथ था जो एक कंटाप के रूप में आपको लगा। तो बस यही चीज़ है, यही क्या है कि मैट एनर्जी को आपने देखा। एनर्जी को कोई भी नहीं देख सकता, चाहे माइक्रोस्कोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप डायरेक्ट एनर्जी को देख ही नहीं सकते। एनर्जी को देखने के लिए एक मैटर की नीड होगी। दूसरा एग्जांपल, आपको कहते हैं कि करंट लग गया, लाइट का करंट लग जाता है, तो करंट कैसे लग जाता है बेटा? ऐसे थोड़ी ना किसी को करंट लग जाता है। आपने कभी देखा क्या कि ये हमने हाथ में, जेब में, पॉकेट में रखा है करंट, यहाँ से हमने करंट निकाला, करंट दे फेंक के दे मारा? नहीं, ऐसे नहीं होता। आप इलेक्ट्रिक वायर बिछे होते हैं, ऐसे वायर लगे होते हैं, वायर की जब आप कटा होता है, कहीं से टच हो जाता है, तो फिर आपको क्या होता है? करंट लग जाता है। तो वायर में करंट फ्लो करता रहता है, ठीक है, वायर में करंट फ्लो करता रहता है, जो एक एनर्जी है, और एनर्जी को क्या होता है, आप टच कर लेते हो तो इससे क्या होता है? करंट लग जाता है। तो मतलब एनर्जी को देखने के लिए मैटर की नीड होगी। जैसे कि हमारी जो साइंस कहती है कि एक वाइटल एनर्जी है जो हमारे अंदर है, ठीक है, वाइटल एनर्जी है, एक वाइटल एनर्जी है, थोड़ा सा हम आपको स्पिरिचुअल साइंस में ले चल रहे हैं, वाइटल एनर्जी जिसको हम कहते हैं सोल। क्या कहते हैं बेटा? सोल, सोल, SOUL, सोल क्या है? एक हमारी वाइटल एनर्जी है। सोल को हिंदी में कहते हैं आत्मा, ठीक है, आत्मा। हमारे अंदर बेटा ये बॉडी है, ये हमारा, जैसे हमने अभी आपको बताया, हमारा ये क्या है? बॉडी है। बॉडी क्या है? एक मैटर है। आज इसमें आप इसको कहते हैं कि हमने आपको जब कंटाप जड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम, हमारे अंदर एनर्जी आपको पता चला। लेकिन कभी एक ऐसी स्टेज आएगी कि इस बॉडी से एनर्जी गायब हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी कहीं और चली जाएगी, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी ऐसे नहीं रहेगी, ये बॉडी क्या होगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना एनर्जी के मैटर का मतलब कोई वो नहीं है। अगर एनर्जी है तभी मैटर भी है। तो एनर्जी क्या होगा? जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या, एक वाइटल एनर्जी है जिसको हम कहते हैं सोल। तो आपके अंदर भी और हमारे अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर है एक सोल, एक आत्मा टाइप की एक एनर्जी है। तो हम उसको एक एनर्जी मानते हैं कि सोल क्या, हमारी एनर्जी है बेटा। आपको पता है, अब आप कहिए कि सोल ये जो है, ये एनर्जी है, हम इसको कैसे माने? आप मैटर, मैटर तो हमने मान लिया कि हम आपको देख रहे हैं, आपको हमने मारा, ये है, ये मतलब आपको हमने टच किया, आपको हमने निचोड़ा, पकड़ाइए, हमने आपको कंटा मारा, ये क्या है? मैटर, ये हमें पता चल गया। लेकिन हमारे अंदर साहब एनर्जी भी है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप? इसको कैसे, आप पूछिए कि अगर आप
प्रूफ करेंगे तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी है? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल साइंस में जाइए, अध्यात्म पढ़िए, तो अध्यात्म आपको पता चलेगा कि नहीं, सोल मतलब आत्मा होती है, आत्मा हर आदमी के अंदर होती है, आत्मा बदल जाती है, ठीक है, आत्मा बदल जाती है, शरीर शरीर तो छोड़, मतलब सिर्फ ये आत्मा है, यहाँ से चली दूसरे घर में चली जाती है, यही होता है, एनर्जी का रूपांतरण हो जाता है इस घर से उस दूसरे जीव में, ठीक है, इस घर से दूसरे घर में। थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ऐसे समझिएगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं बेटा, ये ध्यान से समझिएगा, एक मेल बॉडी है, एक मेल बॉडी है और एक फीमेल बॉडी है, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत तगड़ा एग्जांपल, बहुत शॉर्ट एग्जांपल, आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो मेल है और फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मैटर हैं, क्योंकि हमने भी मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, दोनों मैटर हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं दोनों मैटर हैं, मैं मेल हूँ तो मैं मैटर हूँ, कोई फीमेल होगी वो भी मैटर होगी, ठीक, मेल और फीमेल दोनों मैटर हैं, लेकिन एनर्जी आप कहाँ दिख रही है, आपको इसमें भी दिख नहीं दिख रही, आपको इसमें भी नहीं दिख रही, लेकिन आपको एक केस में मैं यहाँ पर एनर्जी दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिए, कभी आपने देखा है कि नए बच्चे का जन्म होता है, नई बेबी का जब बर्थ होता है तो कैसे होता है, इस प्रोसेस को थोड़ा समझिएगा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मेल की बॉडी से स्पर्म का फीमेल की बॉडी में जाना, एक के रूप में जाना, ठीक है, ठीक है, मेल का, तो बेटा एक चीज़ को ध्यान से समझिए, हमने कहा कि सोल हमारी क्या, एक एनर्जी है, ठीक है, सोल हमारे अंदर एक एनर्जी है, अब एनर्जी को हम प्रूफ कर रहे हैं, एनर्जी को हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस बॉडी से, मेल बॉडी से एनर्जी यहाँ से निकली, ध्यान से देखिएगा, मेल बॉडी से एनर्जी निकली, ठीक है, और इस एनर्जी का फीमेल बॉडी में पहुंचना, फीमेल बॉडी में पहुंचना, मेल बॉडी से स्पर्म के रूप में एक एनर्जी का फ्लो हुआ और फीमेल बॉडी में पहुंची, और फीमेल बॉडी ने कुछ 9th month के बाद एक अपने ही जैसा, या इधर ये मेल या फीमेल, ठीक है, सेम प्रोडक्ट नया आया, एक नए न्यू बेबी का बर्थ हुआ, एक न्यू बेबी का बर्थ हुआ, ठीक है, एक न्यू बेबी का बर्थ हुआ, न्यू बेबी का बर्थ होना, एक नए बच्चे का बनना, ये सिद्ध करता है कि हाँ इस में एनर्जी थी, इस बॉडी में एनर्जी थी और इस बॉडी ने एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, और इस बॉडी की एनर्जी और इसकी एनर्जी मिलके एक नई एनर्जी को बनाया, ठीक है, एक नई ऊर्जा को बनाया। अब आप कहिए कि ये भी तो बॉडी ही बनी, एनर्जी कहाँ है इसमें? बेटा ये समझो ना कि अंदर से इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ने मिलके एक नई एनर्जी बनाई, अब इसके अंदर भी उतनी एनर्जी है, ये भी चाहे तो अपने जैसा एक और बना सकता है। तो बेटा एनर्जी को मैंने आपको बताया कि एनर्जी आपको लगातार डायरेक्ट नहीं देख सकती, सिर्फ एनर्जी का क्या हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है इस बॉडी से इस बॉडी में, इस बॉडी से इस बॉडी में, ठीक। तो आप इसको बहुत डीप समझ गए होंगे कि आखिर एनर्जी है क्या। एनर्जी का मतलब समझिए कि बिना मैटर के आप एनर्जी को नहीं देख सकते, मैटर आप देख सकते हैं, मैटर लिविंग या नॉन लिविंग दो टाइप के हो सकते हैं, एनर्जी को आप जो है विदाउट किसी मीडियम के आप कभी नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये बेटा मैटर और एनर्जी की बात हो गई, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए कि बहुत बेसिक चीज़ है कि छोटा कभी भी कोई नहीं होता, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरों के होने से हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कहते हैं ना कि महिलाएँ छोटी हैं या पुरुष बड़े हैं, कोई बेटा बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों एक दूसरे के होने से, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर ये नहीं होंगी तो ये नहीं बनेंगे, ठीक है, और ये नहीं होंगी तो ये नहीं बनेंगे, दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के होने से ही ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो कभी भी अपने दिमाग में इस थॉट को आप मत लाइएगा कि कोई बड़ा है, नहीं, कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, महिला भी और पुरुष भी, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों का समान अधिकार मिलना चाहिए, दोनों का सेम राइट है, दोनों का सब कुछ राइट सेम है, ठीक है, बराबरी का अधिकार है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, दोनों एक दूसरे के होने से हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक चीज़ और समझिए आप, हमारी जो लाइफ है, ये जो बॉडी है बेटा, ये बॉडी हमेशा क्या होती है, अनइक्विलिब्रियम की स्टेज में होती है, क्या होती है, अनइक्विलिब्रियम की स्टेज में, थोड़ा समझिएगा आप, ये हमारी बॉडी है बेटा, इस बॉडी में हमने अभी आपको बताया कि पानी, तब तो पानी में हम पैदा हो गए थे, लेकिन अब पानी में पैदा नहीं होते, क्योंकि अब तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बेटा जो ऑक्सीजन जाएगा, अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता जाएगा तो हमारी बॉडी फूल जाएगी, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, हमें बेटा इसको निकालना भी है, क्योंकि हमने कहा कि बॉडी हमारी क्या होती है, हमेशा अनइक्विलिब्रियम के फेज में रहती है, अनइक्विलिब्रियम के स्टेज में रहती है। अनइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अभी आपने शीशा का झूला देखा है, शीशा का झूला जो होता है बेटा ऐसे होता है, ध्यान से देखिएगा, शीशा वाला जो झूला होता है वो ऐसे होता है, ऐसे बीच में यहाँ पे वो रखा होता है
और ऐसे रहता है, ऐसे होता है, कभी ये स्टेज यहाँ जाती ऊपर चढ़ती रहती, मतलब एक ऐसे समझ लीजिए आप, ये है एक बंदा इधर बैठता है, एक बंदा इधर बैठता है, ठीक है, कभी ये इधर चला जाता है इस इतने में, कभी ये क्या होता है इतने में चला जाता है, मतलब ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे, मतलब शीशा का झूला बेटा ऐसे समझो आप ना, एक बंदा इधर बैठता है, एक बंदा इधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कभी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, ऊपर नीचे इक्विलिब्रियम, उसका कभी ब्रेक ही नहीं होता, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है बॉडी, ठीक है, इक्विलिब्रियम उसका कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे ही हमारा बेटा जीवन है, लाइफ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आपको पता होगा कि हमारे लिए एक कैसे ऑक्सीजन, हमने कहा ना कि ऑक्सीजन अगर हम लेते जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि उसको बेटा ट्रांसफॉर्म करना, उसको बाहर भी तो निकालना है किसी फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि सेल के हमारे हम इतनी बड़ी हमारी बॉडी है, इसमें हम कहाँ इतना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन को हमें किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर भी तो भेजना, तो हम बेटा यहाँ पे क्या लेते हैं, इस चीज़ को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे, हम बेटा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, किसको लेते हैं ऑक्सीजन को, और हम बेटा CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, सेम शीशा के झूले जैसा, एक इधर बैठा है एक इधर, एक अंदर जब ऊपर नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, एक ऊप एक नीचे अंदर एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, और एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, ठीक, हमेशा क्या होता है इक्विलिब्रियम में रहता है, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे, और ये नीचे है तो ये ऊपर, ठीक है, हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो इससे बेटा एक बहुत बड़ी चीज़ आपको सीखने को भी मिलती है कि हमारी लाइफ जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जब आप ECG ग्राफ पढ़ेंगे, ECG ग्राफ आप पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इसमें हमेशा देखिएगा ऐसे ऐसे स्टेज होती है, अभी हम इसको अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है, PQRST ग्राफ बनता है, उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा, कभी आप वेंटिलेटर पर किसी को देखा आपने वेंटिलेशन वार्ड में, हमेशा ऐसे ऐसे जिग 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 ऐसे स्ट्रक्चर बनता बना रहता होगा, तो ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होने का मतलब है कि ये जो लाइफ है ये इंडिकेट करती हुई एनर्जी को, कि एनर्जी है अभी, ठीक है, अगर ये टोटल ऐसे ये ऐसे 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 लाइन में, इसका मतलब कि बॉडी डेड हो चुकी है, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा लाइफ बॉडी है, इसमें क्या है कि हम ऑक्सीजन आती है और CO2 निकलती है, क्योंकि ये शीशा के झूले की जैसी है, इक्विलिब्रियम हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैंट स्टॉप, रुक जाना नहीं, कभी रुकना नहीं है, ठीक। इससे बहुत बड़ी एक चीज़ आपको, बहुत बड़ा मोटिवेशन बेटा आपको अपनी लाइफ से मिलती है, अपनी इस पूरी बॉडी से मिलती है, इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता पूरी ब्रह्मांड में है, इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ बेटा, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता, कि आपकी बॉडी में कुछ आता है और कुछ जाता है, मतलब उतार चढ़ाव लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन हमेशा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा, फिर आएगा फिर निकलेगा, उतार चढ़ाव लगा रहता है। हॉस्पिटल में आप देखते होंगे ECG ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके भी जीवन में आप भी कुछ काम कर रहे हैं, और बेटा जब आप काम बड़ा करते हैं, बड़े ड्रीम पालते हैं, तो आपको गिरना जरूरी है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी बड़े एग्जाम्पल को आप लीजिए, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बल्ब की डिस्कवरी करी, तो उन्होंने जब थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब की डिस्कवरी की, तो एडिशन ने बल्ब की डिस्कवरी टाइम ये नहीं सोचा था कि हो जाएगा, और अगर सीकर कितने टाइम 990 प्लस टाइम वो आदमी फेल हो गया, ठीक है, 990 टाइम प्लस टाइम वो फेल हो गया, उसके बाद 990 बार से ज़्यादा फेल होने के बाद कोई क्या करता है, ख्वाब छोड़ देता है, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने काम किया, ठीक है। तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से सीखनी है कि उतार चढ़ाव अगर आपके जीवन में आ रहा है, अगर आप गिर रहे हैं वो फिर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं चढ़ रहे हैं, अगर आप गिर रहे हैं और फिर आप चढ़ने का प्रयास करें, तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान, आपसे ज़्यादा होशियार आदमी, आपसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि एक ऊर्जा से ओतप्रोत आदमी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप अगर गिरे हैं तो आपको ऊपर उठना है, आप गिरे इसलिए हैं क्योंकि आपको ऊपर उठाया जाएगा। आपने कभी देखा होगा जब हम आपने धनुष चलाया होगा, ठीक है, तो धनुष चलाते टाइम क्या हो, जब हम आपको बाण को तीर से छोड़ते हैं, जब कमान से छोड़ी जाती है तो उसके पहले हम उसको पीछे खींचते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको ऊपर उठाने के लिए सबसे यहाँ पहले आपको नीचे गिराया जाता है। तो ये लाइफ का बेटा रूल ही है कि आपको जो है हमेशा क्या है इक्विलिब्रियम फेज में रहते, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा तो लाइफ डेड हो जाएगी। जिसके जीवन में बेटा उतार चढ़ाव नहीं ना, वो मरा हुआ आदमी है, उसके जीने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी घिसीपिटी यार, खाओगे पैसे कमाओगे फिर सादे वह बच्चे खत्म, कुछ है इसके आगे। आपको तो बड़े रिस्क लेने चाहिए, बड़े चैलेंज आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आप कभी देखिए कुछ बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है बेटा, मैं किसका लूँ, बस एक छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बड़ा दिया,
आपको आपसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं मिल सकता। आपके अंदर सब कुछ है, आप खुद से लीजिए। और आपको बता दे आपकी परिस्थितियां जी बेटा आपको जितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे कोई नहीं कर पाएगा। आप समझिए ना कि आपकी बॉडी में इतना बड़ा मोटिवेशन बड़ा भरा हुआ है कि इधर से आती है इधर से निकलती है, मतलब ऊपर उतार चढ़ाव कुछ भी यहाँ नहीं स्टोर कर पा रहे। जो हमारे क्यों इतना पैसा क्यों कमा रहे, किस लिए कमा रहे हैं, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बेटा पैसे आएंगे, खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, किस लिए पहनेंगे? कपड़े कौन पहनेगा, ये हमारी बॉडी पहनेगी। तो बॉडी जब जितनी बड़ी जो हमारी चीज़ है बॉडी है, और बॉडी के लिए हम बेटा देखो कि कुछ ये नहीं स्टोर कर पा रही, तो हम और आप हमारी आपकी कोई औकात है स्टोर करने की? उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में बेटा। तो इस चीज़ से आप बहुत बड़ा मोटिवेशन लें कि आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिले, ठीक है? तो ये आपने सीखा। अब बेटा जो अगली चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि हम जर्नी ऑफ लाइफ की बात करेंगे कि आखिर हमारे जो जीवन हमारे जो लाइफ है कैसे बनी होगी, ठीक है? तो इस पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेटा ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और बहुत बेसिक हैं तो मतलब बहुत बेसिक तरीके से मैं सिखा भी रहा हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बहुत बेसिक में। और हाँ एक चीज़ और बेसिक ध्यान दीजिएगा, आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने मार्कर उठाया है, तो थोड़ा सा अगर लिखावट को लेकर कोई समस्या हो तो प्लीज़ बेटा उसको मैनेज करना, ठीक है ना? हाँ अब हम थोड़ा सा बेटा जर्नी ऑफ लाइफ की बात करेंगे। जर्नी ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन की यात्रा। जर्नी ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन की यात्रा। ये जो हमारा बेटा जीवन है ये कैसे बना है, ठीक है? तो हम कुछ फेजेस लिख दे रहे हैं पहले, फिर आपको समझाएंगे। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल्स, सेलुलर लेवल। बहुत आसानी से समझा रहे हैं बेटा, घबराओ नहीं आप। टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल, सॉरी ऑर्गन लेवल, एटॉमिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। बेटा एक लास्ट चीज़ है ऑर्गेनिज्म लेवल। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, ये सुनते जाइएगा, ठीक है? देखो एक एक चीज़ को ध्यान से देखना बेटा। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल, ये हमारी जो बेटा यात्रा है ये शून्य से शिखर स्टार्ट हुई है, शून्य से, ठीक है? और ये शिखर तक पहुँची है। तो ये हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि आखिर जो हमारा जीवन है ये कैसे स्टार्ट हुआ है। जो इतनी बड़ी बॉडी आज आपके सामने कब मूव कर रही है, आगे पीछे कर रही है, ये सब सारे मूवमेंट कर रही है, जल्दी कर रही, पढ़ा रही, वो कैसे कर रही है, आखिर ये बनी कैसे, ठीक है? कि यही यहाँ पे आपको जानना है। तो बेटा जो जीवन की शुरुआत हुई एटॉमिक लेवल पे और मॉलिकुलर लेवल पे हुई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एटम बने, एटम से मॉलिकुल्स बने। मॉलिकुल्स को क्या होते हैं, मॉलिकुल्स क्या होते हैं ध्यान से देखिएगा, एटम और एटम से मॉलिकुल्स बनते हैं, ठीक है? एटम का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बेटा क्या है, ये एटम है, ठीक है? और इन्हीं को जब ध्यान से देखिए, H2, ठीक है, ये बन गया, N2 बन गया, ठीक है, या O2 बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये हमारा क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। क्या बेटा बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बन गया। बट बेटा एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, अब एटम की स्पेलिंग आपको पता है, जब पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, जब पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ निगेटिव चार्ज चक्कर लगाए तो उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है? जब पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ निगेटिव चार्ज चक्कर लगाए तो उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ये आप ध्यान से बाद में सीख लीजिएगा, मतलब इसमें बहुत बेसिक है, इसमें कोई जानने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से देखिएगा, आप हमने बोलता है एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या हुए, एटम हुए। एटम से हमने क्या बनाया बेटा, मॉलिक्यूल्स बनाए। अब मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूल्स तो आप इनको कह सकते हैं, बट इसी में एक चीज़ और अगर हम जोड़ दें, H2O N2O CO2। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने अभी जब सेम टाइम की बताया तो ये क्या बन गया बेटा, ये मॉलिक्यूल्स हैं। क्या बेटा, मॉलिक्यूल्स हैं। आगे के जो नीचे के हैं ये भी बेटा सब क्या है, मॉलिक्यूल्स ही हैं। बट पता है आपको, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं नो डाउट, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। आप जब इधर से पढ़ेंगे तो दोनों को आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। बट बेटा पता है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या कहते हैं, कंपाउंड, ठीक है?
कंपाउंड, क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड कहते हैं। ये बहुत बेसिक है, ये भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है, कि एटम से मॉलिकुलर मॉलिकुल्स बनते हैं, मॉलिकुल्स को कंपाउंड क्या कहते हैं ये आपको जान लीजिए। जब सेम टाइप के हो तो उसको मॉलिकुल्स कहते हैं, और जब डिफरेंट टाइप के कुछ जुड़ जाए उसमें एटम, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड कहते हैं। हालांकि आपके इतने काम की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जान लीजिए आप। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे एटम से इस जीवन की शुरुआत हुई, एटम से, ठीक है, एक छोटे एटम से हम बने, और एटम से फिर हमारा क्या हुआ ना, सेलुलर लेवल, सेलुलर से टिश्यू लेवल, टिश्यू से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म लेवल, जिसमें आज 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्स प्रजातियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझिएगा, आप समझ पाएंगे अभी। ये मान लीजिए एटम है हमारा, ठीक है बेटा, ये एटम है, ऐसे एक एटम थे, ऐसे ढेर सारे एटम मिल गए, तो क्या बना, मॉलिक्यूल्स बन गया हमारा, क्या मिल गया बेटा, मॉलिक्यूल्स लेवल पे काम हुआ। फिर क्या हुआ बेटा, सेल, आप जब साइटोलॉजी आप आगे जब पढ़ेंगे, आपका पहला चैप्टर क्लास 9th में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल हमारी क्या है, बेसिक यूनिट लाइफ है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, सेल चाहिए चाहिए, बिना सेल की आप कोई भी बॉडी नहीं बना सकते, लिविंग बॉडी, ठीक है, तो सेल चाहिए। तो बेटा ये बने तो क्या बन गया, एक एटॉमिक और मॉलिकुलर लेवल तैयार हुआ। इसके बाद बेटा क्या हुआ, सेल बनी, छोटी छोटी जो सेल है, यहाँ पे बहुत सारी सेल में लगी हुई है, तो ये हमारा क्या बना, ये पूरी हमारी स्किन बनी है। सेल के बाद बेटा जब एक सेल होती है, एक सेल को हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल, जब सेल का ढेर सारा ग्रुप काम करता है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, एक, देखो ध्यान से देखो, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, बट बेटा ध्यान से देखो, जब ये ढेर सारी सेल मिल रही, ढेर सारी सेल मिल रही, ढेर सारी सेल मिली, तो बेटा क्या बन गया, टिश्यू बन गया, क्या बन गया, टिश्यू बन गया। जब ढेर सारे टिश्यू हमारे मिल गए, ढेर सारे टिश्यू मिल गए, तो हमारा क्या बन गया बेटा, ऑर्गन बन गया, लाइक हार्ट, लाइक हार्ट, ढेर सारे टिश्यू मिल गए तो हमारा क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। एक ऑर्गन से बेटा ये पूरी बॉडी चलती है क्या, नहीं चलती, इसमें क्या ढेर सारे ऑर्गन काम करते हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, बहुत सारे ऑर्गन है हमारे, स्टमक है, ठीक है। तो ढेर सारे सेल मिल गए, तो सेलुलर लेवल पे काम हुआ, फिर टिश्यू बन गए, एक सेल था, ठीक है बेटा, एक सेल था, एक सेल से ढेर सारे सेल मिल गए, और ढेर सारे सेल से क्या बेटा, एक ऑर्गन बन गया, एक ऑर्गन बन गया, ठीक है। अब ऑर्गन से बेटा, एक ऑर्गन से तो बड़ी बॉडी नहीं बनी है, इसके लिए क्या है, ढेर सारे ऑर्गन भी चाहिए, ढेर सारे क्या चाहिए, ऑर्गन चाहिए, ढेर सारे क्या चाहिए, ऑर्गन चाहिए। तो ढेर सारे ऑर्गन का मैंने बताया, हमारा हार्ट है, हमारा स्टमक है, हमारा लीवर है, जितने भी किडनी है, ये क्या, बहुत सारे हमारे क्या बेटा, ऑर्गन बने, एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हुआ है। सिस्टम क्या कहते हैं, जहाँ दो या दो से चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक मतलब काम को, एक फंक्शन कर रही हो, ठीक है, उसको सिस्टम कहते हैं। अब बेटा जब ढेर सारा ऑर्गन मिल गया, तो टोटल एक हमारा क्या बन गया, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सॉरी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे मतलब एनिमल में, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे कोई बड़ा हो, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो, कोई भी जानवर हो, ठीक है, मतलब ये जो मेन है लाइफ की परिभाषा, प्लांट्स के लिए हम कह नहीं सकते, ये हमारे एनिमल्स के केस के लिए ज़्यादा है। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और फिर ऑर्गेनिज्म लेवल, एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जिसको आप चाहे वो, ये अब आप जब इसको पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, तो एनिमलिया में आप अलग अलग किंगडम पढ़ेंगे, तो वो आपको आगे बहुत बड़ा इलेबोरेशन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना बेसिक जान लीजिए, एक एटम से हमारा जीवन बना, एक एटम से शुरुआत हुई, ढेर सारे एटम मिलके, ढेर सारे एटम मिलके एक सेल बनाते, ढेर सारे सेल बना के एक टिश्यू बनाते, ढेर सारे टिश्यू मिल के एक ऑर्गन बनाते लाइक हार्ट, और ढेर सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरी ऐसी बॉडी बनाते जो आपके सामने खड़ी है, ठीक है। ये पूरी बॉडी बेटा क्या है, एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऐसे 1.7 टू 1.8 मिलियन यहाँ पर ऐसे ही ढेर सारी जातियाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ जो उस जाति में आता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। अब इसके बाद इससे इसमें ज़्यादा कुछ जानने का वह है नहीं, तो ये आप समझ गए। अब हम जो है अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसको आते हैं, ठीक है जी बेटा। बेसिक्स कहानियाँ थी, और आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, और आपको जानना जरूरी है, आपको से कहीं नहीं पूछा जाएगा, मुझे पता है आप सब विद्वान लोग हैं, लेकिन बेटा जानना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जानोगे, बेस नहीं जानोगे, तो कैसे काम कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा ध्यान से देखिएगा, जो आपके मेरे बेहद काम के नेक्स्ट टॉपिक, अब शायद आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए, साइंस। क्या है साइंस? साइंस का मतलब क्या होता है, कोई पता है, किसी को पता हो तो बताइए, पता होगा, मुझे पता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो साइंस बहुत बेसिक शब्द है, लेकिन इतना बेसिक नहीं बेटा, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा स्ट्रीम है, और जो साइंस पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, अभी जो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो IIT की तैयारी कर, उनसे पूछिए कि साइंस क्या है, तो अच्छे से आपको बता पाएंगे कि साइंस क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समय देखिएगा, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर, ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर, एक सिस्टम से, एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मतलब एक क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से आप जब नेचर के, प्रकृति की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइंस कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड नोन एज साइंस, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर नोन एज साइंस, ठीक है। या दूसरा जो है, ठीक है, सिस्टमैटिकली, ठीक है, दूसरा क्या है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ, सॉरी, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ, सॉरी, हाँ, पहला मैंने क्या लिखा, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर, दूसरा क्या, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नॉलेज। दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत बेसिक चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज, जस्ट सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज स्टडी क्या होती है, ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। दोनों चीज़ों को आप ध्यान से सीखेगा। ऑर्गेनाइज स्टडी, जब हम ऑर्गेनाइज स्टडी करते हैं किसकी, नेचर की, प्रकृति के, जहाँ मैटर और एनर्जी दोनों की बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जहाँ हम ऑर्गेनाइज स्टडी नेचर की करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज ऑफ नॉलेज, जब हम ज्ञान को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक वही चीज़ बोला गया, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, उसको भी हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। विज्ञान क्या है बेटा? विज्ञान क्या है? ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से नेचर, पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करना है, विज्ञान है, ठीक है। सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से अध्ययन करना, ज्ञान को एक सही तरीके से लेना क्या है, विज्ञान है, ठीक है। ज्ञान को एक सही तरीके से लेना क्या है, विज्ञान है। अब इसको ध्यान से और थोड़ा समझिए। द साइंस वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, द साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कहाँ से आया बेटा ये? ध्यान से बेटा, अक्सर पूछा जाता है ये, अक्सर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो साइंस है इसकी ओरिजिन कहाँ है, तो बेटा ये लैटिन वर्ड से आया। कहाँ है ये? लैटिन वर्ड से आया है साइंस, ठीक है। फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? फादर ऑफ साइंस हम कहते हैं बेटा गैलीलियो गैली। किसको कहते हैं? गैलीलियो गैली। किसको कहते हैं? गैलीलियो गैली। तो हाँ, तो बेटा फादर ऑफ साइंस क्या है? गैलीलियो गैली। यहाँ पे नाम लिख दें अभी हम, या आपको आगे सिखाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ साइंस क्या है? गैलीलियो गैली, गैलीलियो गैली, गैलीलियो गैली क्या है बेटा? फादर ऑफ साइंस है। क्या है? फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस कौन है? फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैली। बेटा ये तो हमने बहुत बेसिक चीज़ें बताई आपको, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि साहब ये तो आपने सिखा दिया कि ऑर्गेनाइज हिस्ट्री ऑफ नेचर, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज ऑफ नॉलेज। बेटा बट नॉलेज कैसा, कैसा नॉलेज, कैसा ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान, कैसे ज्ञान को हम साइंस कहते हैं? तो एक सब सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि आपने मालिक साहब ये तो बता दिया सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस।
ठीक, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। बट कैसा नॉलेज, ये जो नॉलेज है ये कैसा नॉलेज है, कैसा नॉलेज है ज्ञान, जो कैसा नॉलेज, तो नॉलेज मतलब कैसा नॉलेज, अगर कह दें कि स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल, हम अक्सर पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस आध्यात्मिक विज्ञान, पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान, तो क्या बेटा इसको भी हम साइंस कह सकते हैं, इसको भी साइंस कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये भी एक साइंस है, क्या आप इसको साइंस कह सकते हैं? नहीं, इसको साइंस नहीं कह सकते बेटा। हमने ये जरूर आपसे बोला ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर का मतलब है जहां पे मैटर और एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दूसरी हमने बोली सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो नॉलेज मतलब कैसा नॉलेज, आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसा नॉलेज साहब, आपने मास्टर साहब गुरु जी कैसा नॉलेज, नॉलेज मतलब बेटा, तो नॉलेज मतलब कि पॉलिटिकल साइंस या ये स्पिरिचुअल साइंस, नहीं ऐसा नॉलेज नहीं, नॉलेज साइंस तो इसमें भी लगा है, हम पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये स्पिरिचुअल साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये भी आप विज्ञान कहते हैं लोग, लेकिन वो नॉलेज नहीं बेटा, वो नॉलेज नहीं, ये नॉलेज नहीं, ये नॉलेज नहीं, दूसरी वाली नॉलेज, कौन सी नॉलेज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें सीखनी थी। पहली चीज़ की ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ये तो आपकी डेफिनेशन पहली चीज़। दूसरी चीज़ फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैली। तीसरी चीज़ द ओरिजिनेटेड फॉर्म लैटिन वर्ड, साइंस की ओरिजिन कहाँ है, लैटिन वर्ड से। तीन बातें सीखी, पहले डेफिनेशन, दूसरी फादर, बाप कौन है, गैलीलियो गैली, ओरिजिन कहाँ से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है, साइंस की ओरिजिन हुई वो लैटिन वर्ड से हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा कैसा नॉलेज, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल, बेटा ये नहीं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल पॉलिटिकल नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसा नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। दो चीजें, पहली चीज ये, दूसरी चीज क्या है, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैली, तीसरी चीज क्या, लैटिन वर्ड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। अब साइंस मतलब कैसा नॉलेज, नॉलेज गेंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत बड़ी चीज बेटा, नॉलेज गेंड थ्रू थ्रू नॉलेज गेंड थ्रू ऑब्जर्वेशन सॉरी कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत बड़ी बात बेटा लिखी यहां पे, ध्यान से समझिएगा। नॉलेज आपने पूछा था ना बेटा, नॉलेज आपके दिमाग में दो आया था ना बेटा, पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल, तो हमने कहा था नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो आप, आपका सवाल था कि फिर कैसा नॉलेज, फिर कैसा नॉलेज। अब मेरा, मैंने जो लिखा वो ध्यान से समझिएगा, नॉलेज गेंड थ्रू कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन, बेटा दो शब्द आए हैं, बहुत प्यारे शब्द आए हैं, किसी भी चीज को लगातार देख रहे रहने से, देखते रहने से, लगातार अध्ययन करते रहने से और लगातार एक्सपेरिमेंट करने से, लगातार शोध करने से जो चीज प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। नहीं समझ में आया, हमने आपसे कहा नॉलेज, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, या हमने बोला था आपको, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी या सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ये डेफिनेशन बताई। तो आपने पूछा नॉलेज कैसा नॉलेज, हमने तो आपने बताया पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल, मैंने कहा नहीं पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल नहीं, क्योंकि वो साइंस नहीं हो सकता, हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे, तो हमारी डेफिनेशन दूसरी है साइंस की, तो डेफिनेशन साइंस की हमारी ही नहीं, सबकी साइंस। अब साइंस का मतलब कोई स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलेगा, साइंस का मतलब कि
ये साइंस होता है, ठीक। नॉलेज गेन्ड थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन या और साथ ही कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। बहुत बड़ा एक चीज़ है आपको दिखा रहा है। अभी मैंने अभी कुछ कुछ ही सेकंड पहले लिया, कुछ मिनट पहले लिया था एक, मैंने नाम लिया था थॉमस अल्वा एडिशन का। किसका नाम लिया था? थॉमस अल्वा एडिशन का। बेटा आपको पता है थॉमस अल्वा एडिशन ने जब बल्ब की डिस्कवरी करी थी तो 990 टाइम, उससे भी ज़्यादा 990 बार से भी ज़्यादा टाइम वो फेल हो गए। तो आपको पता है जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने लगा कि कीड़म को कूट के, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कूट के उन्होंने पिलाया अपने आज काम कर दी, मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था उस आदमी ने। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से उसने लगातार देखा कि आखिर कैसे मैं बना क्या रहा हूँ, बन क्या रही है, ठीक है। उसने लगातार देखते रह गया, दिखते रह गया, काम करते रह गया, काम कम करते रह गया, और लगातार एक्सपेरिमेंट भी जारी था, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था। और कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक चीज़ बन के आई बेटा, जिसने क्या बनाया? बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब क्या हुई बेटा? एक नई डिस्कवरी हुई, एक नई डिस्कवरी हुई जिसको क्या कहते हैं, अब बल्ब की जब डिस्कवरी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। ये क्या हुआ? साइंस हुआ, ये आप कह सकते हैं साइंस। ये क्या? साइंस। दूसरी चीज़, आज हमारे घरों में आप देखते होंगे कि बहुत सी चीज़ें हमारे और आपके पास, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे कि फ़ोन हो या ये मार्कर हो या जो भी चीज़, जो आज मैं माइक यूज कर रहा हूँ, या जितनी भी चीज़ें आपके घर में हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें एक्स वाई जेड स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जो भी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, बेटा पता है आपको जो चीज़ें आज हम उपयोग में लेते हैं और जिनको कोई वैल्यू नहीं देते ना, आपको पता है ये किसी ना किसी, ये कल को किसी का ख्वाब रही हैं, जो आज हमारे हाथों में है, जो आज जिसको हम आज देख पा रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं आज, ये कल को किसी का ख्वाब रही हैं, ख्वाब रही हैं। और उस ख्वाब को उस आदमी ने हकीकत में बदला है। एडिशन ने कहा ये जो बल्ब है जो आज हमारे घर में जल रहा है, जिससे हमें लाइट मिल रही, ये इनका ख्वाब थी, और ये ख्वाब थी, और इस ख्वाब को इन्होंने लगातार कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इन्होंने इसको बनाया। तो ये बल्ब बना। क्या बना बेटा? बल्ब बना। एक नई डिस्कवरी हुई जिसको बल्ब बोला, और आज बल्ब को हम अपने घरों में लगा के बड़े इजीली प्रयोग करते हैं, तोड़ देते, फोड़ देते। पता है आपको ये जो आज हम यूज कर रहे हैं, जो हमें इतनी आसानी से मिल गई, कल को किसी का ख्वाब रही है, और उसकी ख्वाब को हम, उसका ख्वाब पूरा हुआ तो हमें चीज़ मिली है। आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न, टेलीविज़न को बनाने वाले का भी ख्वाब रहा होगा, उसने भी टेलीविज़न जब बनाया होगा तो सोचा होगा कि कैसे कैसे करना, मैं क्या क्या जोड़ के कैसे बना दूंगा। तो कंटिन्यूअस आपने उसने उसको देखते गया, उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया, और लगातार एक्सपेरिमेंट के बाद, लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनी? टेलीविज़न बनी। आज टेलीविज़न देखते हैं हम, और समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाहूँ। तो बेटा ये साइंस है। साइंस को देखिए ना, साइंस मतलब जो कि फील हो, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन हुआ, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन वाला, लगातार आप देखते जाइए, लगातार आप उस पर शोध करते जाइए, फिर जो चीज़ पैदा हो वो क्या है बेटा? साइंस है। बल्ब बना, ये क्या? साइंस है। आज जो मार्कर हम यूज कर रहे हैं, ये भी किसी का ख्वाब रहा होगा। आज जो हम बहुत आसानी से प्रयोग कर रहे हैं, कल को किसी का ख्वाब था बेटा। आज जो हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है आसानी से प्रयोग करने वाली, ये कल को किसी का बहुत बड़ा ख्वाब रही है। ऐसी जितनी भी चीज़ें हम अपने घरों में देख रहे हैं, आसपास जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं, ये कल को किसी का ख्वाब थी, जो आज हमारी हकीकत है, कल को किसी का ख्वाब थी। यही बेटा साइंस है, ठीक है, यही है साइंस। अब साइंस को थोड़ा और डीप हम समझते हैं कि साइंस आखिर होती क्या, और साइंस को कितने पार्ट में हम पढ़ते हैं। हमने दो तीन चीज़ें बेटा आपको सिखा दी हैं। साइंस क्या है बेटा? साइंस को हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या था? फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैली। तीसरी चीज़ क्या था बेटा? कि साइंस सबकी जो ओरिजिन हुई वो किससे हुई? लैटिन वर्ड से हुई है। बाकी हमने आपको पूछा, आपने पूछा था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज मतलब कैसा नॉलेज आपके दिमाग में आया था? पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल? तो हमने कहा था नहीं, ऐसा नॉलेज नहीं। नॉलेज गेंड थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन या कंटिन्यू, और साथ ही कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो नॉलेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन ने क्या किया? लगातार शोध किया, लगातार सोचते गए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, और सोचते और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बना? एक नई चीज़ बनी, एक चमत्कार हुआ जिसको कहते हैं साइंस। उसका नाम था बल्ब। क्या बना? इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसे तो साइंस आप समझ गए कि साइंस क्या है। जो भी चीज़ें आज हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो हमारी चीज़ों, जो आज हमारी हकीकत है, वो कल को किसी का ख्वाब रही है। ख्वाब को हकीकत में बदलना, ये क्या है? साइंस है। यही बेटा साइंस है। ख्वाब का हकीकत में बदलना, यही साइंस है, ठीक, यही साइंस है बेटा। वो वाले ख्वाब नहीं जो तुम देख रहे हो, ठीक है, वो ख्वाब इस ख्वाब से अलग। ये वो ख्वाब नहीं जो ख्वाब तुम्हारे सपनों में आता है, ये वो ख्वाब है जो जागते हुए सपनों में आता है, ठीक है। ये सोने वाले ख्वाब नहीं बेटा, समझ रहे हो ना? हाँ, अब थोड़ा इसको और डीप हम समझ पाते हैं बेटा कि साइंस को हम कैसे पढ़ते हैं। बेटा साइंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं,
बहुत आसानी रहेगी आपको सीखने में। साइंस के दो पार्ट जो हैं, बेटा ध्यान से समझिएगा, साइंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक चार्ट के थ्रू पढ़ लेते हैं। जो पहला पहला पार्ट होता है बेटा हमारा बायोलॉजिकल साइंस होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक। दूसरा जो पार्ट है बेटा हमारा है फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल साइंस, ठीक। बायोलॉजिकल साइंस और फंडामेंटल साइंस, क्या क्या बेटा? बायोलॉजिकल साइंस और फंडामेंटल साइंस। यहां पे बेटा हम पढ़ते हैं इन एनिमेट्स, समझा रहे हैं, घबराइए नहीं, नॉन एनिमेट्स या एन एनिमेट्स बोल दीजिए, एन एनिमेट्स बोल देते हैं, एन एनिमेट्स, या बोल दीजिए लिविंग, इसको बोल दीजिए नॉन लिविंग, ठीक। बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। हमने बेटा साइंस पढ़ाया, साइंस को आपने पढ़ा, और साइंस के बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं कि साइंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो बेटा साइंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहला और दूसरा। पहला जो पार्ट है बेटा वो बायोलॉजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस में हम इन एनिमेट्स की बात करते हैं, यानी कि हम लिविंग्स की बात करते हैं, जहाँ पे विज्ञान की वे शाखा, जहाँ पे हम जीवों का अध्ययन करें, ठीक है, जीवों का अध्ययन करें, जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन एनिमेट्स की बात करें, वो क्या है बेटा? वो हमारी क्या है? बायोलॉजिकल साइंस है। क्या बेटा? बायोलॉजिकल साइंस। देखिए इसमें हम बहुत डेफिनेशन आपको नहीं लिखा पाएंगे, इसको आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा ये, बस आपको पता होना चाहिए और आप इसको समझिए। देखिए बेटा लिख लोगे तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे, लेकिन अगर कहानी की तरह सुन लोगे तो हमेशा याद रहेगा। हमने अभी तक साइंस की दो चीज़ें बताई, बायोलॉजिकल और फंडामेंटल। बायोलॉजिकल में क्या है? बायोलॉजिकल में क्या है? बायोलॉजिकल में इन एनिमेट्स की बात करें, हम लिविंग्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लिविंग्स की बात करें उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरा क्या है? फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस का मतलब है जहां पर इन एन एनिमेट्स का बात करें, जहां पर हम एन एनिमेट्स का बात करें, नॉन एनिमेट्स का बात करें, जहां पर हम नॉन लिविंग की बात करें, जहां पे हम नॉन लिविंग की बात करें, एन एनिमेट्स की बात करें, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल साइंस कहते हैं। साइंस को दो पार्ट में पढ़ा, पहला बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा फंडामेंटल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में इन एनिमेट्स की बात करें, हम मतलब लिविंग्स की बात कर रहे हैं, जहां जितना भी लिविंग्स है उसको हम क्या कहते हैं? इन एनिमेट्स कहते हैं। जितने भी लिविंग्स की स्टडी उसको हम उसको किसके अंडर करते हैं? बायोलॉजिकल साइंस के अंडर करते हैं। जितने भी नॉन लिविंग की स्टडी उसके उसको हम फंडामेंटल साइंस के अंडर कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ध्यान से और एक चीज़ पढ़ो, बायोलॉजिकल साइंस बेटा एक ही पार्ट है उसका, बायोलॉजिकल साइंस के टोटल एक ही पार्ट है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। ध्यान से देखिएगा, इस जो हमारा बायोलॉजिकल साइंस है उसमें एक पार्ट है बायोलॉजी, और जो हमारा फंडामेंटल साइंस है बेटा इसमें तीन पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर मैथमेटिक्स भी हमारा साइंस है। बिल्कुल बेटा, हमने आपको कहा ना कि लगातार करते रहे, मैथमेटिक्स भी साइंस है। आप देखिएगा जब मैथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें, मैथ वाले स्टूडेंट्स पूछे जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो साइंस में हमने आपको बताया बायोलॉजिकल साइंस, फंडामेंटल साइंस। बायोलॉजिकल मतलब जहाँ पे इन एनिमेट्स या लिविंग्स की बात करें उसमें हमने बायोलॉजी बताया। फंडामेंटल साइंस में जहाँ हम इन एनिमेट्स की एन एनिमेट्स की बात करें उसको, या नॉन लिविंग्स की बात करें उसको, हमने बताया तीन पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। किसका पता? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस और फंडामेंटल साइंस, ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल और फंडामेंटल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा फंडामेंटल। पहले हम फंडामेंटल को पढ़ेंगे, इसके बाद हम बायोलॉजिकल को पढ़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल या फिजिकल साइंस, आप समझ गए ना, हमने साइंस के दो पार्ट बताए, बायोलॉजिकल और फंडामेंटल। बायोलॉजिकल में एक पार्ट जहाँ पे हम लिविंग की स्टडी करें उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। फंडामेंटल के टोटल तीन पार्ट है बेटा, जहाँ हम नॉन लिविंग की स्टडी करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हम बेटा फंडामेंटल या फिजिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल या फिजिकल साइंस, फंडामेंटल या फिजिकल साइंस। फंडामेंटल या फिजिकल साइंस, ठीक, फंडामेंटल या फिजिकल साइंस। फंडामेंटल या फिजिकल साइंस के अंदर बेटा हम तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। किस किस चीज़ को पढ़ेंगे बेटा? फिजिक्स की पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स की जो डेफिनेशन बेटा वो है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्स या फिर नेचुरल फोर्सेज सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे हम किसकी बात करें बेटा? नेचुरल फोर्सेस की बात करें, नेचुरल फोर्स की बात करें, फोर्सेस की बात करें, लाइट की बात करें, लाइट की बात करें, नेचुरल फोर्सेस की बात करें, लाइट की बात करें, हीट की बात करें, इसको क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिजिक्स पर बताएं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, नेचुरल फोर्स, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटा क्या होती है हमारी? ये क्या होती है? फिजिक्स होती है। इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा और जो भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल बेटा हम आपको बेसिक चीज़ें दे रहे हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? नेचुरल फोर्स, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसके जो बेटा फादर है वो आइजैक न्यूटन है। कौन है बेटा? आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। हम जितना बेटा रेड से लिख रहे हैं बाप का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। आइजैक न्यूटन, क्या नाम है बेटा? आइजैक न्यूटन, ठीक है। हमने फिजिक्स बताया, स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स के अंदर हमने क्या बताया? इसके बाप का नाम क्या है? आइजैक न्यूटन। क्या नाम है बेटा? आइजैक न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी नाम लिख लीजिए, मॉडर्न मॉडर्न फादर है, ठीक है। आइंस्टीन, ई आई एन एस टी आई ई एन, आइंस्टीन की का भी नाम, ये इनको समझ जाइए मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न लिख दे रहे हैं। एफ एम एफ, ठीक है, मॉडर्न फादर, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। बेटा केमिस्ट्री में आप देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, सबस्टेंसेस एंड व्हाट हैपेंस टू देम इन डिफरेंट कंडीशन और व्हेन मिक्स्ड विथ ईच अदर, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर, सबस्टेंसेस एंड कुल मिला के हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स या आप कह सकते हैं मिक्सचर जो एक दूसरे के मिलाने से बन जाए, ठीक है, केमिकल्स, केमिकल्स, ठीक है। टोटल यहाँ पे साइंस केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम किसकी बात करते हैं बेटा? लिक्विड, स्ट्रक्चर या लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर या लिक्विड की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री कहते हैं। बाकी आप ज़्यादा साइंटिफिक लिखना हो बेटा तो आप लिख लीजिएगा नोट्स से, आपको एक अच्छी नोट्स में हम पीडीएफ भी यहाँ से प्रोवाइड कर रहे देंगे, ठीक है। अभी हम बहुत बेसिक बात करें तो बहुत बेसिक बेसिक आपको समझा रहे हैं। हमने फिजिक्स बताया, आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइजैक न्यूटन फादर है इसके, जहाँ पे हम नेचुरल फोर्सेज, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी की को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फिजिक्स। उसके फादर क्या होना है? आइजैक न्यूटन या फिर आइंस्टीन, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने आपको बताया, और केमिस्ट्री के जो फादर हैं बेटा वह हैं लेवोजियर। क्या नाम है? लेवोजियर, ठीक है। फादर कौन है बेटा? L A V O I S E R, लेवोजियर, ठीक है। फादर इसके कौन है? लेवोजियर। अब बेटा हम मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, लेवोजियर साहब ने बेटा जो है इन्होंने हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी की थी, करी थी, क्या है बेटा? हाइड्रोजन की। तो थोड़ा ध्यान से जान लीजिए आप जानकारी के लिए, हाइड्रोजन, H Y D R O G E N, ठीक है, हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी किसने करी थी? लेवोजियर, लेवोजियर साहब ने, ठीक है, लेवोजियर साहब। अब मैथमेटिक्स की बात करें, द साइंस और स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, स्टडी ऑफ नंबर, 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 क्वांटिटीज, नंबर क्वांटिटीज या एंगल की बात करें या शेप्स की बात करते हैं जहाँ पे हम, ठीक है, शेप्स की बात करते हैं, उसको बेटा हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ नंबर, क्वांटिटीज एंड स्पेसेस, जहाँ पे हम नंबर की बात करें, संख्याओं की बात करें, क्वांटिटीज़ की बात करें, ठीक है, नंबरों की बात करें या शेप की बात करें, अलग अलग शेप की बात करें, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, शेप्स का मतलब आप समझ रहे हैं, सर्किल की बात कीजिए या फिर ट्रिग्नोमेट्री आप त्रिभुज की बात कीजिए या फिर ऐसे बात कीजिए, ठीक है, तो स्क्वायर की बात कीजिए, जो भी इतनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सब मैथमेटिक्स में आती है, ठीक है, मैथमेटिक्स में आती है। अब मैथमेटिक्स के फादर जो बेटा जो है ना वो आर के मिडीज़, कौन है बेटा? आर के मिडीज, ए आर सी एच ई एम ई डी आई ई एस,
ठीक, आर्केमिडीज, ठीक है, आर्केमिडीज कौन है, ARCHI, गलत हो गया, MEDES, I नहीं हटा, ठीक है, आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज कौन है बेटा, मैथमेटिक्स के फादर है। तो आज बेटा हमने क्या किया, साइंस में जो हमारा पहला साइंस को हमने पढ़ा, साइंस मतलब क्या था बेटा, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। आपने पूछा नॉलेज क्या है, तो नॉलेज मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल नहीं बेटा, जो लगातार ऑब्जर्वेशन या फिर लगातार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद है वो नॉलेज बेटा साइंस होता है। साइंस में हमने दो टॉपिक बताए, फंडामेंटल या फिजिकल साइंस, दूसरा बताया बायोलॉजिकल साइंस। फंडामेंटल और फिजिकल साइंस में आपको बताया कि जहाँ पे हम एनिमेट्स की बात करें, नॉन लिविंग्स की बात करें, उसको हम फंडामेंटल या फिजिकल साइंस कहते हैं। जहाँ पे हम इन एनिमेट्स की बात करें, लिविंग्स की बात करें, उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस का बेटा एक पार्ट थे जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, और फंडामेंटल या फिजिकल साइंस का बेटा तीन पार्ट थे जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़े। फिजिक्स में बताया हमने आपको जहाँ नेचुरल फोर्सेज लाइट एंड हीट की बात करें, स्टडी करें, उसको हम, या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। इसके फादर के बेटा आइजैक न्यूटन साहब है, और मॉडर्न फादर इसके कौन है, थॉमस अल्वा एडिशन, सॉरी अल्बर्ट आइंस्टीन साहब है, अल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी बार बार आज एडिशन का नाम निकल रहा, काम ही ऐसा किया, चमत्कार ही ऐसा किया बंदे ने, बल्ब बनाया। तो मॉडर्न जो फादर है बेटा वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है फिजिक्स के, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्सर, स्ट्रक्चर या मिक्सचर या फिर केमिकल्स की जिसमें हम बात करते हैं वो क्या होता है, केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री के फादर हैं लेवोजियर साहब, इन्होंने हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी करी थी। लास्ट हमने आपको बताया था मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं नंबर्स की, क्वांटिटीज की या शेप्स की, इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। इसके फादर कौन है बेटा, आर्केमिडीज साहब है, ठीक है, आर्केमिडीज साहब के। तो आज बेटा ये बेसिक पार्ट रहा, कल की पार्ट में हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, अभी हमने फंडामेंटल आपको पढ़ा दिया, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की कहानी समझ में आई होगी। बहुत बेटा बेसिक से स्टार्ट करें, बहुत देखो हो सकता है आज थोड़ा सा जल्दी भी रहा हो और कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फंसाओ भी लगे, ठीक है, तो घबराना नहीं, प्रॉमिस है बेटा एक एक चीज़ बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, और एक एक चीज़ इतनी तरीके से आप सीख जाएंगे ना कि आपके टिप पे होगी बायोलॉजी, हर चीज़ आपके टिप पे होगी, बहुत तगड़ा। मैं क्लास 9 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, यही रीज़न है बेटा कि मैं आपको एक बेस देना चाहता हूँ, और साथ ही पता चले कि हाँ बायोलॉजी स्टार्ट कैसे होती है। वैसे ही नहीं, मैं तो कुछ भी स्टार्ट कर दूँ, डायरेक्ट मैं फंडामेंटल लाइंस में ही स्टार्ट करता हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो 11th स्टार्ट करना हो, लिविंग वर्ड से स्टार्ट कर दूँ, लेकिन नहीं, पहले आपको बेसिक्स जानना जरूरी, बेसिक्स जानना बहुत जरूरी, ये आपको कहीं काम नहीं आएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन बेटा हर जगह आपसे कोई ना कोई पूछ लेगा, आपका अपना पूछ लेगा, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और पूछे ना पूछे यार, आपको तो जानकारी होनी चाहिए ना कैसे क्या हुआ है। तो साइंस की भी भाषा आप समझ गया आखिर साइंस का, तो हमने फंडामेंटल और फिजिकल साइंस आज कंप्लीट करी। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो पार्ट टू होगा, इस वीडियो का पार्ट टू आएगा, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पार्ट टू, सेकंड नेक्स्ट डेट सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की। तो आई होप कि आपको सब ठीक आया होगा, समझ में आया होगा, थोड़ा लिखावट को लेकर समस्या बेटा, आई प्रॉमिस है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसको भी ठीक करूँगा, जल्दी ये भी बदलाव आएगा, ठीक है, हैंडराइटिंग के लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लिखावट को लेके। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।